सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी पोर्टल रेडी हो रहा है QRMP स्कीम के लिए। ऑप्शन आ गई थी QRMP स्कीम को ऑप्ट करने की, जो आप सभी को अब पता है। मैंने जो ये केस ओपन किया हुआ है, यहाँ मैंने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन चूज की थी, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो जिनकी रिटर्न क्वार्टरली है उनकी 3B भी क्वार्टरली हो जाएगी, GSTR 1 भी हो जाएगी, बट उनके लिए IFF फैसिलिटी आनी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो आपके लिए गुड न्यूज है कि आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पोर्टल पे जनवरी का मंथ सिलेक्ट करके सर्च करेंगे आप तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एंड दिस इज ऑप्शनल फैसिलिटी। और ये दी गई है सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइस एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट को अपलोड करने के लिए, बिल्कुल सिमिलर टू GSTR 1 है। जैसे आप GSTR 1 में डिटेल्स डालते हो ना, बिल्कुल ऐसी है। चलिए एक बार इस पे क्लिक करके दिखा दूं, फिर आपको कुछ खास बातें भी बताऊंगी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की। इससे पहले, इस पे बढ़ने से पहले, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट फीचर है, नया फीचर है, और भी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो सेम GSTR 1 की तरह इसे भी प्रिपेयर करने के 2 मोड है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन उस केस में यूज करिए जब ज्यादा डिटेल्स हैं, ज्यादा इनवॉइसेस हैं, अदरवाइज प्रिपेयर ऑनलाइन करिए। चलिए हम एक बार ऑनलाइन पे क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या है। IFF को तो हम जान ही रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हमारे 4 एक्टिव कोर्सेज हैं studyvery.com पे। यहाँ आइए, इनकम टैक्स का नया बैच शुरू हो रहा है 7th मार्च 2021 से। लाइव क्लासेस रहेंगी इवनिंग में, सैटरडे संडे। इस कोर्स को एनरोल करिए। GST में करियर बनाना है तो GST कोर्स हमारा एक्टिव है। एनुअल रिटर्न 18-19 का तो हमारा रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल है, बट लाइव वेबिनार भी हमने अरेंज कर दिया है, नीचे आने पे आपको मिल जाएगी ऑप्शन। 31 जनवरी 2021 को संडे को रहेगा ये लाइव वेबिनार। 19-20 की एनुअल रिटर्न और ऑडिट को हम यहाँ सीखेंगे। और साथ ही अगर आप बैलेंस शीट्स बनाना चाहते हैं मिनटों में, कई दिनों का काम अपना सेव करके मिनटों में करना चाहते हैं, तो हमारा ये सेशन लीजिए। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। सो हैव अ लुक, लग रही है ना सेम GSTR 1 जैसे ओपन कर लियो, एग्जैक्टली वैसे ही है। सिर्फ 4 ही टेबल्स हैं इसकी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको B2B इनवॉइसेस डालने, B2C नहीं डालने। B2C तो आप क्वार्टर एंड में ही डालना, B2B डालने की ऑप्शन आई है। B2B इनवॉइसेस, उनके डेबिट क्रेडिट नोट अलग से डालेंगे। अमेंडमेंट कर रहे हो तो अमेंडमेंट वाली टेबल भी आ गई है, और क्रेडिट डेबिट नोट में अमेंडमेंट कर रहे हो तो ये है टेबल 9C। चलिए एक बार B2B 4A 4B 4C 6B 6C को ओपन करते हैं। बिल्कुल सेम वी आर यूज टू GSTR 1 में, ऐसे ही डिटेल्स हम ऐड करते हैं ना। B2B एड इनवॉइस पे क्लिक करिए, आपके सामने सभी ऑप्शंस आ गई, आप चूज कर सकते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट है आपकी, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज है, रिसीवर का GSTN डालोगे तो नाम आ जाएगा, इनवॉइस की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। जैसे ही इनवॉइस डिटेल, प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा को एंटर करोगे तो नीचे आपको टैक्स डिटेल्स डालने की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे GSTR 1 में डालते हो। खोल लेते हैं सेकंड टेबल 9B, एड डिटेल्स। तो आ गए हम क्रेडिट डेबिट नोट के पेज पर। यहां भी आप यूज टू हैं, जो भी क्रेडिट डेबिट नोट है, डीम्ड एक्सपोर्ट का है, रिवर्स चार्ज का है, जिसके लिए भी बनाना है उनका GST नंबर डालिए, डेबिट क्रेडिट नोट का जो नंबर है वो डालिए, डेट डालिए, नोट डेबिट है या क्रेडिट है, नोट की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई चूज कर लेंगे तो सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ऊपर की डिटेल डालते ही नीचे फिर टैक्स डिटेल्स डालने की ऑप्शन आ जाती है। वी आर वेरी यूज टू दिस बिकॉज हम GSTR 1 ऑलरेडी फाइल करते हैं। यहां मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ IFF की ना, डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली मैं शेयर करूंगी अपने चैनल पर। जितने भी आपकी क्वेरीज है ना IFF को लेके, सारी कमेंट करके डाल दो ताकि आगे वीडियो में कवर हो सके। नेक्स्ट 2 टेबल्स अमेंडमेंट्स की हैं। जैसे अभी भी आप B2B में अमेंडमेंट करते हो वैसे ही, और क्रेडिट डेबिट नोट में अमेंडमेंट करनी है तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। जैसे ही डेटा को फीड कर लोगे तो नीचे जनरेट IFF समरी पे क्लिक करना है, 2-3 मिनट वेट करना है। जैसे ही समरी जनरेट हो जाएगी तो आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद फाइल रिटर्न यूज करके EVC करके इसे फाइल कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल अगर आप मंथली इनवॉइसेस डालना चाहते हैं, या जैसे ही आपके इनवॉइस बनते रहे आप डालना स्टार्ट कर दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, यहाँ पर थोपा नहीं जा रहा है, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। इसके लिए कोई लेट फी नहीं लगेगी बिकॉज दिस इज ऑप्शनल।
अब बात करते हैं डेट की, तो आईएफएफ को डालने की भी डेट्स हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें टू बी जनरेट करनी होती है ना, तो आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस डालने की भी लास्ट डेट है। जैसे कि जनवरी की डिटेल आपको डालनी है 13 फरवरी तक, फरवरी की डालनी है 13 मार्च तक, और फिर मार्च की रिटर्न यानी पूरे क्वार्टर की रिटर्न फिर आपकी जाएगी 13 अप्रैल तक। यानी अब GSA 1 की डेट ना 13th of month कर दी गई, यानी मंथ खत्म होते ही 13 तारीख तक आपको GSA 1 भरनी है, और 3B भी आपकी क्वार्टरली हो जाएगी अगर क्वार्टरली रिटर्न आपने QRMP में चूज की है, और क्वार्टर की 3B आपकी एंड ऑफ द क्वार्टर होने के बाद 2022 या 24 तक जाएगी, और 3B तो आपकी क्वार्टरली हो गई है पर टैक्स की पेमेंट मंथली होगी, जिसके लिए चालान आना है GST PMT 08, वो भी जल्दी ही पोर्टल पे एक्टिव होने वाला है। तो यदि आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन की QRMP स्कीम के तहत IFF आ गया है, चलिए अब इसी कुछ और बातें भी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो इसका आंसर है कि ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड की गई है टू फाइल देयर इनवॉइसेस इन मंथ 1 एंड मंथ 2, यानी क्वार्टर का जो पहला मंथ है एंड दूसरा मंथ है, उन दोनों के लिए आपको IFF के थ्रू इनवॉइस डालने हैं। थर्ड मंथ की डिटेल तो आपकी फिर क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, उसी के साथ चली जाएगी, एंड फैसिलिटी विल बी सिमिलर टू GSA 1, और यहां भी इन्होंने लिख दिया कि ये फैसिलिटी बिल्कुल GSA 1 की तरह है, पर GSA 1 में आपको B2C डालने की भी ऑप्शन आती है ना, IFF में सिर्फ B2B इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट डालने की ऑप्शन आएगी। फिर पूछा जा रहा है कि क्या ये कंपल्सरी है, नहीं ये ऑप्शनल है। Then, will this option be available every month? क्या ये option every month available होगी? बिल्कुल होगी। और कब तक? The option to file such invoice will also expire by 13th of the next month. तो जो मैंने आपको last date बताई ना, तब तक invoice डाल पाओगे आप, उसके बाद ये फिर facility expire हो जाएगी, क्योंकि आगे इन्हें फिर 2B भी generate करनी है, उसके बेस पे further party को अपना input tax credit मिलेगा, ठीक है? तो ये थी खास बातें IFF की। अब हमारे courses को थोड़ा सा और detail में जानते हैं। इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स हमारा एक्टिव हो चुका है, अभी इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आज के लिए डिस्काउंट है, कल से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। 7 मार्च से लाइव क्लासेस हैं, वेबिनार के थ्रू ये होंगी, इवनिंग में 4 to 6 एवरी सैटरडे संडे। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, सीट्स ऑलमोस्ट फुल होने वाली है इनकम टैक्स कोर्स की। GST में करियर बनाना है आपको, डिटेल्ड कोर्स हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन है ये GST का, नया जो वेबिनार है GST का वो मई में अनाउंस होगा, तब तक रिकॉर्डेड सेशन है। और साथ ही लोगों को ये क्वेरी रहती है कि क्या इसमें आप नए चेंजेस भी कवर करोगे? हाँ, नए चेंजेस की वीडियोस आपको रेगुलरली आफ्टर यू बाय द कोर्स मिलती रहेंगी, और अगर कोशिश हम ये करेंगे कि नए चेंजेस के साथ एक वेबिनार अरेंज कर दें हमारे एग्जिस्टिंग GST कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 की नहीं भरी है, उसमें डाउट है तो ये रिकॉर्डेड सेशन ले लो, ये 3 आवर्स की वीडियो है, और अब हमने लाइव वेबिनार भी अनाउंस कर दिया है 31 जनवरी को 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए। GST एनुअल रिटर्न और ऑडिट पे हमारा लाइव वेबिनार है, 31 जनवरी को इसलिए रखा है कि एक तो उस दिन संडे है, और फिर 9 and 9C की लास्ट डेट भी 28 फरवरी पे आ रही है, तो इसलिए हमने जनवरी में एक सेशन रख दिया है ताकि आपकी सारी क्वेरीज कवर की जा सके। बैलेंस शीट्स आप बनाते हो ट्रायल से और कई घंटे कई दिन लगाते हो तो हमारा ये सेशन लीजिए, इससे आपके सारे काम बैलेंस शीट वाले मिनटों में हो जाएंगे। तो सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं, या फिर आप विजिट करिए सिंपली www.studywaddy.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।